जितनी भी हुकूमतें बनी हैं वो जबरी गुमशुदगी के मसले को हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही हैं। ये मसला जो कभी बलूचिस्तान तक महदूद था, अब ये मुल्कगीर मसला बन चुका है जिससे सारे सूबे मुतासर हैं। बलूचिस्तान में जनाब चेयरमैन, मैं सबकी सर तवज्जो चाहता हूँ, बलूचिस्तान में लापता अफराद एक हकीकत है, ये कोई अफसाना नहीं है जनाब चेयरमैन, ये कोई किस्सा और कहानी नहीं है। मैं दोहराता हूं कि बलूचिस्तान में लापता अफराद कोई किस्सा और कहानी नहीं है। इसलिए जवाबी बयानिया तराशने के बजाय मैं जिम्मेदारान से ये कहूंगा कि आप मेहरबानी करके इस मसले को हमेशा के लिए हल करें, नहीं तो यह दर्द सर बना रहेगा कौमी सतह पर और आलमी सतह पर। आने वाले हुकूमतें भी बदनाम होंगी, आपने मुल्क की भी बदनामी होगी। तो ये मुख्तसर ये कि जनाब चेयरमैन, बस सर मैं बिल्कुल आखिरी बात करूंगा, मुख्तसर ये कि बलूचिस्तान में अमन और शांति, बलूचिस्तान में अमन और सुकून, इंसाफ की फरावानी और मुआशी तरक्की से वाबस्ता है। अगर आप इंसाफ दे सकते हैं, बात बिल्कुल सीधी है, इसमें किसी बड़े दानश्वरी की जरूरत नहीं है, बात बिल्कुल सीधी है। इंसाफ दोगे बलूचिस्तान में अमन और शांति आएगी, अगर इंसाफ नहीं दोगे तो ये आए दिन के एहतजाजी धरने, एहतजाजी मुजाहरे यूं ही बदस्तूर चलते रहेंगे। थैंक यू सर। ऑनरेबल सेनेटर आजी हिदायतुल्ला खान।